अगली जो खबर है वो चरखी दादरी से है। चार दुकानों में आग लगने की खबर है। यहाँ भी शॉर्ट सर्किट के चलते ही दुकानों में आग लग गई और लाखों का माल जलकर इसमें खाक हो गया है। अब चार दुकानें आग लगना और एक के बाद एक दुकानों तक आग बढ़ती चल जाना ये बड़ी बात है। परशुराम चौक है जहाँ पर ये दुकानें हैं और बैक टू बैक एक के बाद एक चार दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अभी जानकारी ये है कि शॉर्ट सर्किट के चलते इन दुकानों में आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक हो गया है इस आग में। एक तरफ गुरुग्राम का सेक्टर 14 जहां पर एक बिल्डिंग में आग लग गई और ये तस्वीरें आप देखिए चरखी दादरी में जहां पर चार दुकानें एक के बाद एक आग की लपटों से घिर गई। दुकान में काफी सामान रखा हुआ था, चार दुकानें पूरी तरह से आग में जलकर बर्बाद हो गई। लाखों का इसमें नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। चूंकि सटी हुई ये दुकानें चारों थी, एक में आग लगी तो फिर फैलती चली गई। सुरेंद्र इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चार दुकानों में एक के बाद एक आग लगना, इसके पीछे की वजह क्या है? आग पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है क्या? हाँ जी, देखिए देर रात 12 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से चार दुकानों में अचानक आग लग गई। सामने रहने वाले व्यक्ति ने फोन किया पुलिस में और फायर ब्रिगेड में। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब चार घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया और जो साथ लगती 40 दुकानें थी उनको बचा लिया गया। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ये जो हाई वोल्टेज की 11,000 की लाइन उनकी दुकानों से गुजर रही है उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो बिल्कुल लूज है उसके कारण उनकी दुकानों में आग लगी है। जी, कोई हताहत तो नहीं हुआ सुरेंद्र? नहीं, रात को दुकानदार अपने दुकानों को बंद करके चले गए थे, इसमें कोई किसी को नुकसान, इतना जान का नुकसान नहीं हुआ है। किस तरह का एरिया है ये? क्या सिर्फ मार्केट एरिया है, क्या सिर्फ यहाँ पर दुकानें हैं आसपास? किस तरीके से आग लगी और फिर बढ़ती चली गई? क्या ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज है जिससे साफ हो पाया हो कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी देखिए, वहाँ ये परशुराम चौक है, ये बाजार का हार्ट है। यहाँ दुकानें करीब 150 के करीब दुकानें हैं। यहाँ जो दुकान जो जिनमें आग लगी है उसके साथ लगती बहुत सी दुकानें हैं उनको तो बचा लिया गया, लेकिन इसमें आग लगी, अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो उनमें कोई साफ दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो बहुत दूर चौक पर लगे हुए हैं जो करीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पे है, इसलिए उसमें कोई कुछ कैद नहीं हो पाया है। जी ठीक है सुरेंद्र, इस खबर पर नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल आप बता रहे हैं।